प्रथम तहलका न्यूज। अगर आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो ये खबर आपको देखनी बेहद जरूरी है। दरअसल फरीदाबाद के पीयूष महेंद्रा मॉल में बीती 10-11 तारीख की रात लिफ्ट टूटने से लिफ्ट में फंसी एक बच्ची सहित 5 लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची पुलिस ने सभी की जान बचा ली। बता दें कि यदि कुछ देर हो जाती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लिफ्ट में घंटों फंसे रहे लोगों ने मॉल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बताया कि मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वहीं इस दौरान लिफ्ट में फंसी बच्ची 3 बार बेहोश हुई। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही लोग हैं जो NIT फरीदाबाद के दशहरा मैदान के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप द्वारा बनाए गए पीयूष महेंद्रा शॉपिंग मॉल में लिफ्ट टूटने से फंस गए थे। घंटों लिफ्ट में फंसे रहने के बावजूद भी इन्हें पीयूष महेंद्रा मॉल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। फिर इन्होंने पुलिस और मीडिया को फोन घुमाए। सूचना मिलने के बाद पुलिस समय गवाए बिना तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के पार्किंग के कर्मचारियों के साथ मिलकर दरवाजों को तोड़कर उन्हें पानी की बोतलें दी, जिसके बाद उनकी सांस में सांस आई। फिर पुलिस ने बच्ची सहित लिफ्ट में फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। मॉल की लिफ्ट में परिवार फंस गया था, कौन सा मॉल है और क्या मामला था सर? ये अपना जो है ना कि पीयूष मॉल है, जो अपना मेट्रो चौक से मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास 10 बजे कॉल आई कंट्रोल से, अपना CPOP से, भाई वहाँ ऐसे ऐसे लिफ्ट में जो है ना कुछ व्यक्ति वहाँ अंदर घुस गए हैं, लिफ्ट खराब हो गए हैं। इतला मिलती है, हमें ना तुरंत वहाँ पर पहुँचे, फटाफट हमारी एक डायल 112 वहाँ पहुँची, SHO साहब, अपना कोतवाली सोमवीर जी वहाँ पहुँचे, चौक इंचार्ज वहाँ पहुँचे, हमारी फटाफट वहाँ से जो है ना हमने अपना जो उसका मालिक था उसको फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन थे उनको फ़ोन किया, जब वो चाबी चुबी वगैरह निकाल करके उनके कम से कम आधा घंटा लग गया वहाँ से निकालते निकालते, इतना जो है ना कि सर एक घंटे पहले से फंसा हुआ था, बच्ची छोटी थी, 3 बार उसमें बेहोश हो गई थी, मामला सामने पूरा रहे क्या? हाँ, ये उन्होंने एक तो है ना कोई लिफ्ट वाला वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, उन्होंने ये तो ठीक है उनके पास फ़ोन था, उन्होंने अपने अपने DCP साहब को या CP साहब को कॉल कर दिया, तो पुलिस फटाफट वहाँ पे पहुँच गई है कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर हमारे वहाँ जो है ना डायल 112 पहुँच गई, उन्होंने फिर हमारे को कॉल किया, हम भी वहाँ तुरंत पहुँच गए, फिर जाके जो है ना उनके मालिक को भी फ़ोन किया है, उनको बताया, जब जा करके जो है ना कि ये है हमारा, ये परिवार का तो नहीं पता, लेकिन एक उमा शंकर था, सक्सेना नाम है उनका, एक वंदना उनकी पत्नी है, उनका एक यार दोस्त था, एक उनकी छोटी बच्ची थी, जो हमने जब निकाले तो बड़े पसीनम पसीना हुए हुए थे कि घबराए हुए थे कि भी यदि पुलिस मौका पर नहीं पहुंचती तो कोई भी हादसा हो सकता था। क्या मॉल वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम मॉल के खिलाफ भी है ना कंप्लेंट देंगे, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं दी है उन्होंने, अब बताया कि हम DC साहब को भी हम लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, CP साहब को भी बताएंगे, कोई ऐसे ऐसे जो है ना लापरवाही करते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बैठा रखा है उन्होंने। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कितनी सुरक्षा, इस तरह से छोटी बच्ची थी, बेहोश हो गई, अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो बड़ा हादसा। हाँ, कोई भी हादसा हो सकता था कि हार्ट अटैक भी हो सकता था, बच्चे घबरा के जी घबरा गया था कि भाई पसीना पसीना हो रहे निकाले हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ना दरवाज़ा खोल करके उनको जो है ना निकाला लिफ्ट से, हमने ही पता हम भी पसीना पसीना हो गए वहाँ पे जो है ना, बड़े मस्कत के साथ, हम तो ये था कि पब्लिक सेवा हमारा काम है। वही लिफ्ट में फंसे युवक के मुताबिक लिफ्ट में 2 परिवार सहित एक बच्ची फंसी हुई थी, जो लोग डिनर करके केक लेकर लिफ्ट से नीचे आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट टूटने से तेज धमाका हुआ और लिफ्ट के दरवाजे टूट गए और वह सभी लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट टूटने से लिफ्ट में अंधेरा हो गया, पंखे बंद हो गए, जिसके चलते सभी पसीना पसीना हो गए और इस दौरान छोटी बच्ची डर गई और 3 बार बेहोश हुई। फिर उसे जैसे तैसे होश में लाया गया, लेकिन मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और पत्रकारों को फोन किया, तो कुछ देर के बाद थाना कोतवाली SHO अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाला। मॉल में हम लोग केक लेने गए थे और डिनर करने के लिए गए थे, कम से कम 1 घंटे हम लोग लिफ्ट में फंसे रहे, तो हमने फिर अपने लिफ्ट के अंदर लाइट वाइट नहीं थी और बुरी तरह हम लोग फंसे हुए थे बेसमेंट के अंदर, तो हमने अपने मीडिया फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, DSP ऑफिस वगैरह, तो वहाँ से फिर पुलिस वगैरह पहुँची है, उन्होंने
फिर इनके मैनेजर्स वगैरह को बुलाया। यहाँ पे कोई इनकी मेंटेनेंस टीम नहीं थी, इनका कोई भी इंजीनियर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं था, तो किसी तरह किसी जो इनका पार्किंग वाले ने किसी ने देखा एंड देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस। उसने फिर लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया, तो किसी तरह फिर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने फिर हमें पानी वानी नीचे पहुंचाया, छोटी बच्ची थी साथ में। सर कह रहे छोटी बच्ची बेहोश भी हो गई थी, कितनी बार बेहोश हुई थी और कितना संघर्ष लिफ्ट में फंसे होने से हुआ है? एक्चुअली वो छोटी बच्ची जो थी वो काफ़ी घबरा गई थी, काफ़ी बड़ा हादसा लगा था बच्चे को, क्योंकि बहुत भयंकर आवाज़ थी और इवन लिफ्ट के दरवाजे वगैरह टूट के नीचे अलग हो गए थे, जो बाद में हमने देखा एक साइड का दरवाज़ा, तो काफ़ी बड़ी आवाज़ थी और बहुत झटके से लिफ्ट गिरी थी, तो बच्चे का घबराना तो वाजिब था ही। तो बच्चा दो तीन बार बहुत हादसे में आ गया था बच्चा इनफैक्ट, तो उसको हमने पानी वानी फिर किसी तरह जब लिफ्ट में किसी तरह छोटा मोटा खुला तो ऊपर से पानी वानी की बोतल डाली गई, तो हमने बच्चों को पानी वानी पिलाया और बच्चों को थोड़ा सेटल किया, उसको हिम्मत दिलाई। तो घबरा गए थे, लाइट नहीं थी, पसीने पसीने हो रहे थे, फैन भी ऑन नहीं हो पा रहा था उसका। तो क्या मॉल की तरफ से कोई अधिकारी या कोई प्रशासन उस मदद के लिए नहीं आया? मॉल की तरफ से कोई भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मे बी इसलिए कि शायद काफ़ी लेट था वहाँ पे और रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो रहे थे, तो वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। कौन सा मॉल था और क्या कहेंगे आप इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, तो ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतने बड़े मॉल के अंदर जहाँ काफ़ी लोग ऊपर PVR तक भी जाते हैं और रात के शो भी चल रहे थे मूवीज़ वगैरह के, तो अगर ये हादसा रात में होता वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का बंदा नहीं था। साथ वाली लिफ्ट भी ख़राब थी और ये एक्चुअली इसी लिफ्ट पर सारा लोड होगा, और जिस तरह से लिफ्ट के वायर और उसकी जो मैकेनिज्म था सारा बाहर आ गया, तो लग रहा है कि लिफ्ट की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और लिफ्ट की कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा रिस्क है लोगों की लाइफ के लिए भी। कौन सा मॉल था इसमें? ये पीयूष मॉल है, पीयूष मॉल मेट्रो के पास जो है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं दी इस तरह से? शिकायत के लिए हमने मीडिया को और जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे SP DSP को फ़ोन किया था, उन्होंने तुरंत रिहार टीम भी भेजी, उसके बाद खुद वहाँ पे थाना इंचार्ज आए थे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग तुरंत पहुँच गए थे। पुलिस ने रेस्क्यू करके आपको सुरक्षित बाहर निकाले? तो हमें एक्चुअली एक घंटा लग गया था बाहर आते थे, पुलिस द्वारा ही आपको निकाला? हाँ, पुलिस जब आई तो उन्होंने फिर हाथ पकड़ के हमें बाद में बाहर निकाला था इन बिटवीन, क्योंकि रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, तो पुलिस ने फिर मैनेजर सबको बुलाया फ़ोन ऑन करके और वो लोग आए, उन्होंने फिर आगे अपने टेक्नीशियन वगैरह लोगों को बुलाया किसी तरह कर कुरा के। फिर टोटल कितने लोग थे लिफ्ट में जो फंस गए थे? लिफ्ट में दो फैमिली थी और एक छोटे बच्चे के साथ, टोटल 5 लोग थे हम। तो पुलिस की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो इनकी मैनेजमेंट है उनको थोड़ा सा वार्न किया जाए कि आगे यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध कराए जाएँ, एक टीम अवेलेबल होनी चाहिए और इमरजेंसी के लिए इनके पास रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुँचती तो कोई ना कोई बड़ा हादसा भी? या समय पर पुलिस नहीं पहुँचती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घबराहट में बच्चा था, लेडीज़ थी, तो बहुत बड़ी घबराहट का विषय था ये। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।